अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माई चैनल। आज हम आपको जेब लगाने का तरीका बताएंगे जो सैड जेब है जेंट्स सूट की। बहुत ही आसान है नाजरीन। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है आपसे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं जेब की तरफ। तो नाजरीन सबसे पहले ये देखें, ये है जेब। सबसे पहले ये सिलाई लगा लेनी है जेब की, ठीक है। उस सिलाई लगाने से ये फिर सीधी कर लेनी है इसी तरीके से। ये देखें, ये सीधी हो गई। हल्का सा पानी लगाना है यहाँ, ये देखें, शावर के साथ। कोई मुश्किल नहीं है, इस्त्री से प्रेस कर लेना है कपड़े को इसी तरीके से। ये देख रहे हैं, आधा इंच का दबाव है, इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। फिर दूसरी साइड होगी, ये देखें नाजरीन, बिल्कुल प्रेस कर लेनी है। आधा इंच दबाव, ये आधा इंच दबाव है, इसको इसी तरीके से प्रेस करना है। इसका सेंटर कर लेना है नाजरीन, ये देखें, इस चीज़ का, ये चीज़ और ये चीज़ डबल करके ये सेंटर हो गया इसका। फिर उसके अलावा ये देखें नाजरीन, इनका सेंटर हो गया है। आधा इंच जो है ना, आप लोगों ने फिर यहाँ फोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा शावर का पानी इस्तेमाल कर लेना है ताकि कपड़ा सही तरीके से प्रेस हो जाए। ये निशान के बराबर सेंटर जो है, ये चीज़ भी उसी तरह होनी चाहिए। ये जेब होगी नाज़रीन। उसके बाद आप लोगों ने इसी तरीके से इनको जो है ना, जेब को बिठा लेना है। ये देखें नाज़रीन, और ये देखें, ये आपकी जेब है। इसको भी उसी तरीके से जो है ना, बराबर करके सेंटर में कट लगाना है या पेंसिल का निशान लगा लेना है नाज़रीन। ये होगी आपकी जेब तैयार। अभी हम चलेंगे मशीन की तरह, वहाँ जाके आपको लगाना सिखाते हैं। तो ये नाज़रीन ये देखें, ये है साइड पॉकेट का जो है ना, ये देखें, ये जगह है साइड पॉकेट की। आप लोगों ने कमीज़ को इसी तरीके से सीधा रख लेना है। तो ये देख रहे हैं निशान, ये निशान हो गया और ये सिलाई हो गई। सेंटर कर लेना है नाज़रीन इसका भी, ठीक है। ये सेंटर हो गया और ये नोक देख रहे हैं ना, ये नोक और ये सिलाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। चलते हैं सिलाई करते हैं, इनको पक्का कर लेना है स्टफ को। फिर उसी तरीके से ये देखें, यहाँ आकर मशीन पे स्टॉप कर लेना है। जेब को ये देखें नाजरीन, इनको फिर पीछे कर लेना है। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है ताकि सफाई के साथ जेब लगे। इस कोने पे रोक लेनी है मशीन को। नाजरीन ये देखें, ये जो है, ये चीज़ जो है ना, बिल्कुल सिलाई के बराबर होनी चाहिए। जो जेब की नोक है, ये बिल्कुल सिलाई के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये देखें नाजरीन, थोड़ा सा कपड़े को खींच लेना है, जो नीचे का कपड़ा है हल्का सा थोड़ा खींचना है ताकि नीचे सलवट ना आ जाए। तो यहाँ आकर मशीन को रोक लेना है। ये जो निशान देख रहे हैं नाजरीन, यहाँ आकर मशीन को रोकना है। यहाँ फिर इसको पक्का कर लेना है ताकि सिलाई बाद में खुल ना जाए मज़बूती से। तो नाजरीन ये जेब का तरीका है। तो ये देखें नाजरीन, ये जेब आपकी तैयार हो गई है, बिल्कुल सफाई के साथ, कोई सलवट भी नहीं है, बिल्कुल ओके।
तो नाज़रीन ये था जेब लगाने का तरीका। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम आपको जो है ना और कोई चीज़ ऐसी होगी इंशाल्लाह आपको वो भी बता देंगे डिज़ाइन के बारे में, सादा सिलाई के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।